हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी कंपनी के बारे में। दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से स्टॉक्स में हमें आने वाले समय में एक बड़े टारगेट्स यहाँ पे दिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बात करेंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या व्यू रहेगा मेरा, एनओसी के साथ साथ क्या यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है उसको भी कवर करेंगे। आज के दिन की बात की जाए तो एक अपर सर्किट हमें देखने को मिल चुका है एंड मार्केट में एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे हमें बनते हुए नज़र आई है। पूरे मार्केट में सुबह के टाइम ही अपर सर्किट लग गया था ऑलमोस्ट 10-11 बजे के आसपास। वही अगर मैं लास्ट 5 डेज की बात करूँ तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला। 1 मंथ की बात करूँ तो 26% तक का यहाँ पर जो है जंप हमें नज़र आया। उसी के साथ साथ अगर मैं 6 मंथ की बात करूँ तो 41% तक का यहाँ पर हमें जंप देखने को मिला। वहीं अगर 1 ईयर का डेटा देखा जाए तो 270% तक का जंप यहाँ पर हमें देखने को मिला। एक अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर हमें बनते हुए नज़र आई। लास्ट 5 ईयर में 1600% एंड मैक्सिमम की बात की जाए तो जो ये माइनस के आंकड़े हैं ये धीरे धीरे करके हमें कम होते हुए देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, माइनस के आंकड़े अभी का जो कंपनी का जो कंपनी जिस टाइम आई थी उस टाइम 123 रुपीज़ के लेवल्स पे था एंड जब ये 123 रुपीज़ के लेवल्स पे अगेन जाएगा तो ये माइनस का जो नंबर्स है वो हमें वहाँ से प्लस में जाते हुए देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा क्या है आज का, उसके बाद देखेंगे कि न्यूज़ क्या है। सबसे पहले दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो बाज़ार में एक अच्छी खासी हमें तेज़ी बनते हुए नज़र आई है। मिड कैप जो है वो भी अच्छा जम किया है। जैसा मैंने आपको कल एक अपडेट दिया था कि बाज़ार में दोस्तों अभी के टाइम जो है मार्केट अनिश्चितता के जोन में आ चुका है, मतलब जहाँ पे कोई निश्चित नहीं है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 लेवल है, एक अपर साइड का ब्रेकआउट लेवल है, एक डाउन साइड का ब्रेकडाउन लेवल है। हायर लेवल से हम गिरे मार्केट में, अभी भी हम उसी रेंज पे हैं। अब यहाँ पे जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उस डायरेक्शन में मार्केट जो है बड़ा मूव क्रिएट करेगा। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी ने दोस्तों क्या किया कि जैसा कि ये एक सपोर्ट था ईएमए का, ईएमए पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक अच्छा जंप दिया मार्केट ने, जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एंड उसमें हमें ये देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल पे चेक करते हैं तो हम अभी भी इस रेंज पे है। जब हम 24,350 के लेवल को ब्रेक करेंगे ना तो हम यहाँ पे एक अच्छे खासे बुलिश हो जाएंगे। जब तक 24,350 के नीचे हैं तब तक अभी भी हम एक अनिश्चितता के जोन में हैं। वही सेम बात दोस्तों मिड कैप की भी है। मिड कैप में हमें क्या देखने को मिला कि ओवरऑल मार्केट जो है अभी भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट जोन मिड कैप का है, वो है 57,000। 57,000 का लेवल ब्रेक होता है, एक अच्छी खासे रैली हमें यहाँ पर दिख सकती है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ओवरऑल यहाँ पर आज मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप तीनों में अच्छा खासा मोमेंट हमें देखने को मिला है और जो नैस्टेक फ्यूचर डो फ्यूचर है वो भी अभी पॉजिटिव है। तो मे भी अगर वो आने वाले समय में और पॉजिटिव होते हैं तो अपने मार्केट पे भी अच्छा खासा तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट निफ्टी का 24,350 का लेवल है होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात हमारे लिए रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें तेज़ी देखने को मिली है इसके पीछे एक न्यूज़ भी है। न्यूज़ क्या है वो समझ जाते हैं। सुजलॉन स्टॉक्स में 5% एक अच्छा खासा जंप दिया। सुजलॉन के जो अभी बोर्ड मीटिंग हमें देखने को मिली थी उसमें 660 करोड़ का एक्विजिशन कंपनी ने किया है। 400 करोड़ का अभी एक्विजिशन हुआ है एंड 260 करोड़ इन्होंने पहले से ही पे कर रखे थे। इसकी वजह से अब दोस्तों होगा ये कि ये जो 660 करोड़ का एक्विजिशन हुआ है, कंपनी कौन सी है वो भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कंपनी ने रेनॉम एनर्जी सर्विस लिमिटेड जो है उसमें यहाँ पर 660 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके बदले इनको 76% इक्विटी जो है वो यहाँ पे इसमें मिल चुकी है। अब मतलब ये है कि किसी भी कंपनी में 50% से ऊपर की इक्विटी होती है तो हम उसके मालिक बन जाते हैं। तो सुजलॉन एनर्जी के पास यहाँ पर रेनॉम एनर्जी की जो है 76% इक्विटी हो चुकी है, तो अब सुजलॉन एनर्जी इस रेनॉम एनर्जी सर्विस लिमिटेड की मालिक बन चुकी है, प्रोमोटर्स बन चुके हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है सुजलॉन के लिए। ये जो कंपनी प्रॉफिट करेगी इसका बेनिफिट डायरेक्टली सुजलॉन को होगा। सुजलॉन के फाइनेंशियल मजबूत होंगे, बैलेंस शीट मजबूत होगी, कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी और पीई रेशियो भी कम होगा एंड स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है कंपनी की बोर्ड मीटिंग से। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ अगर यहाँ पे बताऊँ तो स्टॉक आपका ओपन होता है 69 रुपीज़ लेवल पे, 68 रुपीज़ तक का लो लगाता है, 69.58 रुपीज़ तक का हमें हाई जो कि अपर सर्किट रेंज है। वॉल्यूम्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी वॉल्यूम्स होती है 655 लाख की क्वांटिटी की वॉल्यूम होती है, 6,55,00,000, 453 करोड़ वैल्यू के शेयर आज ट्रेड होते हैं। अगर डिलीवरी की बात की जाए तो 58% क्वांटिटी हमें डिलीवर होते हुए देखने को मिल रही है। अभी के टाइम अपर सर्किट में 45 लाख क्वांटिटी का एक अच्छा खासा एमओ ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी के टाइम कंपनी जो है अगेन एक न्यू हाई क्रिएट करते हुए नजर आ सकती है, 52 वीक न्यू हाई। तो अभी यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आया है सुजलॉन को लेकर, उसको भी चेक करते हैं।
जो ये कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है, इसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर रेटिंग जो है वो बरकरार रखी है, जिसमें इन्होंने जो है कि 74 रुपीज़ तक का सुजलॉन का एक न्यू टारगेट जो है दिया है। अब 74 रुपीज़ का एक अच्छा खासा न्यू टारगेट हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें ये है कि 74-75 रुपीज़ के लेवल्स पे कंपनी का फिबोनाची लेवल्स भी हमें देखने को मिल रहा है, वो मैं आपको चार्ट पे भी बताऊंगा। तो क्या ये नॉन स्टॉप अब यहाँ से 75 रुपीज़ का लेवल दिखाएगा, तो वो भी समझेंगे। एंड अभी के टाइम अगर मैं बात करूँ तो यही वजह से अभी के टाइम कंपनी का मार्केट कैप 94,000 करोड़ का हो चुका है, पी रेशियो 1.02 का हो चुका है। कंपैरिजन में अब देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि सुजलॉन का पीई भी वैसे थोड़ा कम है। अगर आप देखेंगे सीमेंस का तो 104, एबीबी का 114 है, सीजी पावर का 117 है, बट सुजलॉन का यहाँ पे 101 ही है। भेल जो कंपनी उसका तो 1000 है, तो सुजलॉन का पीई कम है। बाकी अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो हिताची का 270 है, इंडिया का यहाँ पर जो है कि 155 है। तो ओवरऑल यहाँ पे टॉप 7 कंपनियाँ जो है इस सेगमेंट की है, उसमें सुजलॉन का पी रेशियो सबसे कम है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, तो डेट तो ऑलमोस्ट सभी के ऊपर हमें कम ही देखने को मिल रहा है, सभी कंपनियाँ ऑलमोस्ट हमें डेट फ्री होते हुए नज़र आ रही है, भेल के ऊपर थोड़ा सा डेट हमें नज़र आ रहा है। तो फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो मतलब कि वैल्यूएशन के हिसाब से तो सुजलॉन जो है वो थोड़ा हमें सस्ते में देखने को मिल रहा है, और उसी के साथ साथ आरओसी जो है वो भी कंपनी की बेटर है, 24% की हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए कंपनी में एफआईज वाले कंटिन्यू इन्वेस्टेड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म व्यू सुजलॉन बेटर है, शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी हमेशा चलती रहती है। एफआईज की बात की जाए 21.53% अभी के टाइम एफआईज की होल्डिंग हो चुकी है। डीआईज की बात करूँ 9.17% होल्डिंग। अगर कंपनी का टेक्निकल डेटा देखा जाए तो टेक्निकली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट हमें बुलिश देखने को मिल रहा है, बट ओवरबॉट ट्रेंड भी हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। अगर हम मंथली कैंडल पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बिग मोमेंट कंटिन्यू हमें नज़र आया है, तो एक सेलिंग का भी डर रहता है। जैसे कि हमें एक कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला, तो वैसा कंसोलिडेशन यहाँ पे भी एक व्यू रहता है। वीकली कैंडल देखा जाए तो ट्रेंड में थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे नज़र भी आया इस हिसाब से। एंड वन डे टाइम फ्रेम कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन के बाद ही अभी के टाइम हमें एक जो है जंप देखने को मिल रहा है। तो सभी व्यू के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी अपनी रहनी चाहिए। देखिए सुजलॉन में अभी के टाइम एक अच्छा खासा जंप हमें दिखता है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हमें नज़र आता है, इस कंसोलिडेशन के बाद अगेन एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखता है। तो क्या यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा? तो अभी देखिए यहाँ पे सुजलॉन में पहली चीज़ तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले 5 साल के लिए इस कंपनी को छोड़ दीजिए। स्टॉक जो है कि जैसा मैं आपको ऑलमोस्ट 5 रुपये के लेवल से दोस्तों कवर करते आ रहा हूँ, एंड धीरे 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 करके स्टॉक जो है वो अभी के टाइम 70 मतलब 14 गुना अपना पैसा जो है वो हो चुका है। 5 साल का मेरा अगर यहाँ पे मैं व्यू रखता हूँ तो ऑलमोस्ट सुजलॉन से मैं 500 रुपये तक के टारगेट्स लेके बैठा हूँ, क्योंकि विंड एनर्जी में ग्रोथ है और विंड एनर्जी में जो प्लांट लगाने वाली जो कंपनी है वो भारत की नंबर 1 कंपनी है और फ्यूचर ग्रोथ भी है। तो ऐसे में यहाँ पे जो इसकी ऑर्डर बुक वगैरह इस हिसाब से ग्रोथ अच्छी है लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से, जिनका व्यू 3-4 साल 5 साल का है उनके लिए ये कंपनी बेटर है। शॉर्ट टर्म यहाँ पर क्या व्यू है? शॉर्ट टर्म में जैसा कि मैंने आपको बोला था एक 70 रुपये के लेवल से कि सेलिंग आएगी, स्टॉक 65-60 रुपीज़ तक के लेवल्स दिखा सकता है, बट स्टॉक यहाँ पे 65 रुपीज़ के लेवल से ही रिवर्सल देता है, अच्छी न्यूज आती है। सुजलॉन में अभी के टाइम ये चीज़ तो फिक्स है कि स्ट्रेंथ कंपनी में है, जितना स्टॉक गिरता है उतना यहाँ पे बाइंग हो रही है। अब देखिए वो बाइंग शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से नहीं हो रही है, वो बाइंग आपकी हो रही है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, क्योंकि सबको पता है आने वाले समय में कंपनी जब 4 से 5 गुना यहाँ पे होगी तो जिस हिसाब से स्टॉक में सेलिंग हो रही है, जो शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं वही शेयर लॉन्ग टर्म वाले अगेन बाई कर रहे हैं। अभी के टाइम जिस हिसाब से यहाँ पे अगर मैं आपको लेवल्स दिखाऊं कि यहाँ से कौन से लेवल सुजलॉन यहाँ पे हमें दिखा सकता है, तो फिबोनाची रेंज के हिसाब से मैं आपको अभी के टाइम लेवल्स दिखा देता हूँ। यहाँ से एक कंपनी ने हाई लगाया था, उसके बाद एक सेलिंग दिखी, एक डिप लगाया, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यू भाग रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो मॉर्गन स्टैनली ने जो लेवल बताया था 74 रुपीज़ का टारगेट है, तो सुजलॉन में यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमें दिख रहा है 75 रुपीज़, शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से 75 रुपीज़ का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। या तो सुजलॉन यहाँ पे 75 रुपीज़ के लेवल्स पे जाके एक सेलिंग क्रिएट करेगा जो कि आपकी अगेन 60 रुपीज़, एंड उसके बाद एक अगेन एक अग बुल रन 75 रुपीज़ का अगर लेवल ब्रेक होता है तो ऐसे में यहाँ पर हमें 90 रुपीज़ के लास्ट लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसके साथ साथ मार्केट का भी बुलिश होना जरूरी है। मार्केट 24,350 का लेवल ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ रहेगी। बाकी शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाते हैं तो नॉर्मली बड़ा अमाउंट यूज़ नहीं करना है,
अगर स्टॉक गिरे तो वहाँ पे आपके पास एवरेज का फंड भी होना चाहिए। शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से कहीं ना कहीं 75 रुपीज तक के लेवल्स यहाँ पे रहेंगे, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट हमारे लिए ये काम करेगा। सपोर्ट की बात करूँ तो 66 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए काम करेगा। थैंक यू।